मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रेरणा स्रोत से आईजीएल के बिजनेस हेड एसके शुक्ल ने बगहा बाबा स्थित मोक्ष धाम का किया कायाकल्प। नमस्कार, रेप्टी लाइव में आपके साथ मैं हूं सिमरन कौर। गोरखपुर गीड़ा में स्थित इंडिया क्लाइकॉल्स लिमिटेड ने एसके शुक्ल के मार्गदर्शन में बगहा बाबा स्थित मोक्ष धाम पर बाढ़ की वजह से मिट्टी व बालू के ढेर से अवरुद्ध हुए मार्ग एवं दर्जनों सीढ़ियों पर से जेसीबी की मदद से मलबा हटवाकर उसका पुनरुद्धार कराया और एक माह पूर्व ही आईजीएल ने वहां से जनमानस के लिए सीमेंटेड बेंच भी लगवाई। उसी दिन बिजनेस हेड एसके शुक्ल ने मोक्ष धाम समिति के अध्यक्ष परशुराम शुक्ला से वार्ता करके वहां पर आने वाली समस्याओं के बारे में जाना और श्रद्धालुओं तथा अंतिम यात्रा में शामिल जनमानस को हो रही कठिनाई को देखते हुए आईजीएल के बिजनेस हेड ने त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश अपने मातहत अधिकारियों को दिया। उक्त मौके पर उपस्थित आईजीएल के प्रबंधक प्रशासन डॉक्टर सुनील कुमार मिश्रा को बिजनेस हेड ने जनहित के कार्य को प्राथमिकता देते हुए शीघ्र पूरा कराए जाने का निर्देश दिया। मोक्ष धाम के अध्यक्ष के समक्ष सुबह से ही डॉक्टर सुनील कुमार मिश्रा ने जेसीबी लगाकर घंटों जहां सीढ़ियों से मिट्टी हटवाकर उनकी छुपी खूबसूरती के परिलक्षित करवाया, वहीं पूरा तरफ जहां शमशान घाट मिट्टी को बराबर करवाकर मोक्ष धाम की खूबसूरती में चार चांद लगा दिया। आईजीएल हमेशा से सहजनवा क्षेत्र में अग्रसर होकर सामाजिक कार्यों को करती आ रही है। इस पुनीत कार्य में कंपनी के प्रबंधक प्रशासन एवं जनसंपर्क डॉक्टर सुनील कुमार मिश्रा के साथ कमर्शियल हेड विष्णु पांडे जी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी आत्मानंद सिंह, सुरक्षा अधिकारी सुनील यादव इत्यादि ने खड़े होकर कार्य का निष्पादन कराया। काम रुक गया था, उसी का पुनः जो है आज रामनवमी के दिन शुभारम्भ किया गया और इसके तहत जो है हमारे जितने भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जनपद में हैं, हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों पर एक मेले का आयोजन किया जाता है, जहां पर समस्त जाँचें की जाती हैं, समस्त प्रकार के उपचार किए जाते हैं, गोल्डन कार्ड बनाए जाते हैं और जो भी लाभार्थी और सरकारी योजनाएँ होती हैं उनका प्रचार प्रसार किया जाता है। और इसकी मूल भावना यह है कि आदमी को एक जगह पर सभी सुविधाएं मिल जाएँ, उसी की से करने के लिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका शुभारंभ किया है पुनः तीसरी लहर के बाद। और हम लोगों का प्रयास ये होगा कि गोरखपुर की जनता को समस्त सुविधाएं शत प्रतिशत मिलती रहे। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, यूएफटी लाइव।